नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 69वीं क्लास है। रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर। देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में हमेशा आते हैं। सबसे पहले तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप। देखो जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। एक बात तो तुम्हें यह ध्यान रखनी है कि साधारण वर्ष में 52 पूरे सप्ताह होते हैं और एक अधिक दिन होता है, और जो लीप वर्ष होता है उसमें पूरे 52 सप्ताह होते हैं, दो तीन अधिक होते हैं। देखो लीप वर्ष का मतलब होता है कि फरवरी 29 तारीख की होती है। लीप वर्ष की नॉर्मल वे में कंडीशन होती है कि दिया हुआ जो साल है यदि उसमें 4 का पूरा भाग जाता है, लीप वर्ष हर 4 वर्ष बाद आता है, ठीक है। लगभग प्रत्येक वर्ष 23.98 दिन, यानी कि हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है। उसकी बात यह है कि हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है और लीप वर्ष में फरवरी 29 तारीख केवल फिलहाल यही जाता है। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन बराबर होता है। कोई भी साधारण वर्ष होता है उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा बराबर होता है। 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों दिन सेम वार होता है, जबकि लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसका जो अंतिम दिन होता है प्रथम दिन से एक अधिक होता है। जो अंतिम दिन होता है वह प्रथम दिन से एक अधिक होता है। एक अधिक का मतलब यदि 1 जनवरी को मंगलवार है और यदि लीप वर्ष है तो 31 दिसंबर को हमेशा बुधवार है। यदि लीप वर्ष है, यदि दिए गए साल में 4 का भाग जाता है, 1 जनवरी को यदि मंगलवार है साधारण वर्ष में, 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही रहेगा यदि साल लीप साधारण वर्ष है। तो मैं कहूं कि 1 जनवरी 1963 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर और 1963 को भी मंगलवार ही रहेगा। 63 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए यह साधारण वर्ष। अब 31 दिसंबर के बाद जो 1 जनवरी आएगी और साल 63 की बजाय 64 होगा, तो ये जो 31 दिसंबर का मंगलवार है तो ये आएगा बुधवार। और की बात यह है कि एक वर्ष के अंतराल में यदि फरवरी 28 तारीख की है, फरवरी यदि 28 तारीख की है तो तुम्हें एक दिन बढ़ाना है। यदि फरवरी 29 तारीख की है, जैसे 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आएगी, ठीक है, ये मान लो साल है 64 को भी लीप वर्ष है तो ये होगा 1965। ये 31 दिसंबर को बुध है तो ये आ जाएगा बृहस्पति। नोट करके एक लाइन लिखनी है तुम्हें कि यदि एक साल के अंतराल में, बस ये लाइन को, यदि एक साल के अंतराल में फरवरी 28 तारीख की हो तो एक दिन बढ़ाया जाता है, और यदि फरवरी 29 तारीख की हो तो दो दिन बढ़ाया जाता है। फरवरी 28 तारीख की हो तो एक दिन बढ़ाया जाता है, और यदि फरवरी 29 तारीख की हो तो दो दिन बढ़ाया जाता है। जैसे क्वेश्चन कैसे पुटअप करेंगे, ऐसे दिया जाएगा
5 मार्च 1964 को यदि बुधवार हो तो क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई 5 मार्च 1965 को क्या हुआ। अब सीधी सी बात है क्योंकि एक साल का अंतर है। अब केवल हमें यह देखना है कि फरवरी 28 की है या 29 की। वी नो दैट 64 लीप वर्ष है, 4 का भाग जाता है, तो 64 में 29 फरवरी आएगी। लेकिन इसकी 29 फरवरी तो जा चुकी क्योंकि 5 मार्च से स्टार्ट है ये, ठीक है। अब फरवरी जो आएगी वो 65 की आएगी। मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जो आएगी वो 65 की आएगी। और फरवरी में क्योंकि 28 फरवरी आती है और 28 फरवरी यदि आएगी तो केवल एक दिन बनाएंगे और इस काल को रहेगा बृहस्पति। मोटी बात यह है कि यदि एक साल के अंतराल में फरवरी 28 तारीख की हो तो एक दिन बनाएंगे, यदि फरवरी 29 तारीख की हो तो दो दिन। यदि यहां डेट चेंज करते हैं 25 मार्च का पूछते हैं तो एट फर्स्ट तो पूरी साल का वो बनाना है, अंतराल बनाना है, 5 लिखना है, 25 साइड में लिखेंगे, 5 से 25 तक जाएंगे तो हर 7 दिन बाद वही बार आता है, 12 को भी वही बार आएगा, 12-7-19 को वही बार आएगा, 19-7-26 को वही बार आएगा, यानी कि 26 मार्च को बृहस्पतिवार आएगा। और पूछा गया है 25 मार्च का, तो इसका मतलब 25 मार्च का क्या बार कहेंगे हम, एक दिन पीछे आएगा कुछ बार। समान पंचांग क्या होता है? समान पंचांग होता है कि कुछ महीने ऐसे हैं साधारण वर्ष में भी और लीप वर्ष में जिनके तारीखों के बाद बराबर होते हैं, यानी कि साधारण वर्ष में पहला और दसवां महीना हमेशा बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद नोवा और बारवा दोनों में बराबर होता है, साधन। मोटी बात यह है कि जनवरी और अक्टूबर बराबर होते हैं। उसके बाद 2, 3 और 11 यानी कि फरवरी मार्च और नवंबर हमेशा बराबर होते हैं। उसके बाद अप्रैल और जुलाई हमेशा बराबर होते हैं। इसमें पहला चौथा और सातवां बराबर होता है, नौवां और बारहवां दोनों में बराबर होता है, तीसरा और ग्यारह दोनों बराबर होते हैं और दूसरा और आठवां बराबर। मोटी बात यह है कि यदि लीप वर्ष है तो जनवरी अप्रैल और जुलाई बराबर रहते हैं। तो बराबर का मतलब क्या होता है कि लीप वर्ष में यदि 15 जनवरी को बुधवार है तो 15 अप्रैल को भी बुधवार रहेगा और 15 जुलाई को भी बुधवार रहेगा। मोटी बात है कि इनकी तारीखों के बाद बराबर होते हैं। सितंबर और दिसंबर हमेशा बराबर रहता है, चाहे लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष। मार्च और नवंबर लीप वर्ष में बराबर होते हैं लेकिन फरवरी मार्च और नवंबर साधारण वर्ष में भी बराबर होते हैं। अप्रैल और जुलाई साधारण वर्ष में बराबर होते हैं और फरवरी और अगस्त लीप वर्ष में बराबर होते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, इसको सेम ईयर क्वेश्चन बोलते हैं, उसी साल का क्वेश्चन। मैं कहूं कि 15 मार्च 2004 को बुधवार है, मंगलवार है, तो कोई बात तो बताओ 1 दिसंबर 2004 को क्या बार होगा। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब चूंकि उसी साल का बार दिया गया है, उसी साल का पूछा गया है, तो हमें क्या करना है, जो मार्च का महीना है वो नवंबर के बराबर होगा। मोटी बात यह है कि 15 मार्च को यदि बुधवार है तो 1 दिसंबर को लिखोगे साइड में, या लिखोगे 15 नवंबर,
मार्च और नवंबर लीप वर्ष में 2004 लीप वर्ष है क्योंकि चार का भाग जाता है, ये लीप वर्ष मार्च और नवंबर बराबर होते हैं। यदि 15 मार्च बुधवार है तो 15 नवंबर को भी बुधवार ही रहेगा और निकालना है हमें 1 दिसंबर का। तो जब 15 नवंबर का बुधवार है तो 15 और 7 22 नवंबर का बुधवार है, 22 7 29 का भी बुधवार है, 30 का बृहस्पतिवार है और 1 तारीख का शुक्रवार। एक तीसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1995 का कैलेंडर कब काम आएगा। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ऐसे चार ऑप्शन देते हैं, 2001, 2003, 2005, 2006, इस तरह के चार ऑप्शन। अब तो ये ध्यान रखना है कि यदि ये 1995 में है इसमें चार का भाग नहीं जाता, ये साधारण वर्ष है। यदि यहाँ ये लीप वर्ष होता तो तुम्हें एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ 1996 होता तो 96 में चार का भाग जाता है। यदि यहाँ लीप वर्ष होता है तो लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो हमेशा एक लाइन को ये लिखो कि लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 वर्ष के बाद काम होता है, इसमें 28 जोड़ देते हैं। लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो हमेशा 28 वर्ष बाद काम होता है, एक बात। बाकी यदि साधारण वर्ष दिया गया है तो इसका एक तरीका होता है वर्षों में अंतर, ऑप्शन उठाओगे वर्षों के अंतर जमा बीच में आए लीप वर्ष, और अपॉन 7, यानी कि यदि ये सूत्र लगाने के बाद वो 7 से पूर्णतया कटता है, 7 से यदि विभाजित है तो हमारा ऑप्शन इज करेक्ट, अदरवाइज ऑप्शन सेकंड चूज करेंगे। और तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, या तो 6 वर्ष का अंतर लेना है या फिर 11 वर्ष का अंतर लेना। यदि 1995 में 6 जोड़ोगे 2001 आएगा, यदि 1995 में 11 जोड़ोगे 2006 आएगा। या तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है या ये ऑप्शन तो हमारे गलत है, ठीक है। जब ये ए ऑप्शन उठाओगे तो इसमें इसमें 6 वर्ष का अंतर है और बीच में आए लीप वर्ष, इन दोनों के बीच में लीप वर्ष कितने आए, एक तो आया 1996 में और एक आया 2000, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास 2, और 8 में 7 का भाग नहीं जाए जबकि जो आंसर इज 9। अब जी ऑप्शन खाएंगे, इसमें इसमें 11 वर्ष का अंतर जमा इसके इसके बीच में लीप वर्ष, एक तो आ गया 96, एक आ गया 2000 और एक आ गया 2004, हर 4 वर्ष बाद आता है तो 3 लीप वर्ष आ गए, 11 और 3 14, 14 पूर्णतः 7 से कटता है तो हमारा आंसर इज करेक्ट। ये लीप वर्ष है तो सीधा 28 जोड़ दो ऑप्शन मिलेगा, साधारण है तो या तो 6 वर्ष का अंतर होता है या फिर 11 वर्ष का, ठीक है। व्यक्ति है, एक व्यक्ति, उस व्यक्ति का जो जन्म है, एक व्यक्ति का जन्म 15 सितंबर 1982 को हुआ, 15 सितंबर 1982 को हुआ। अब वो कह रहा है कि 1 जनवरी 2003 को उसकी आयु क्या होगी, एक व्यक्ति का जन्म हुआ है 15 सितंबर 1982, 1 जनवरी 2003 को उसकी आयु क्या होगी। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
सबसे पहले तो तारीख एक ये होगी तारीख, ठीक है, ये हो गया मास और ये हो गया वर्ष। फिलहाल उसकी आयु है 1 जनवरी, मास पहला जनवरी और वर्ष है 2003, ठीक है। जन्म हुआ था उसका तारीख 15 सितंबर, 9वां महीना और 1982। अब वो कितने वर्ष, कितने दिन और कितने साल का हो गया? इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि मास में 30 दिन जोड़ने हैं, वर्ष में 12 महीने। जो मास तारीख है, मास है, उसमें तो 30 दिन जोड़ने हैं, इसमें तो तारीख वाले को तुम्हें 30 जोड़ना है और मास वाले को तुम्हें 12। 30 और 1 31 में 15 घटाओगे, यहां बचेगा 16 दिन, तो हो गए उसके पास 16। 12 और 1 13, हमेशा ही असल भाई घटा दिए, 12 और 1 13 में 9 घटाओ कितना बचेगा 4, 1 घटा के क्या लिखना है 3। 2003 में 82 घटाओ कितना हो गया 18 और 3 21, 1 घटाओगे कितने साल आ गए तुम्हें बताना है 20 साल 3 महीने और 16। हमेशा तारीख में 30 जोड़ना है, मास में 12 जोड़ना है और यहाँ 30 और 31 में 15 घटा के 16 और आगे इसके कम करना है, 12 और 1 13 13 में 9 घटाओगे 4 में कम करके लिखोगे 3। 2003 82 घटाओगे 18 और 3 21, 1 घटा के 20, साल बताओगे 20 और महीने बताओगे 3 और दिन बताओगे 16। ये तरीका मैं कहूंगी 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, जब भी बाहर निकालना हो तो एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले तुम्हें लिखना है 12 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144, 0 लिख के 5 का वर्ग 32, 0 लिख के 6 का वर्ग 36 और 12 का वर्ग में 2 जोड़ने हैं 146। सबसे पहले 12 का वर्ग, 0 5 का वर्ग, 0 6 का वर्ग और 12 के वर्ग में 2 जोड़ेंगे, 12 का वर्ग 144, 2 जोड़ेंगे 146। ये केवल एक मेथड है जो समय बचाएगा जब हम बाहर निकालेंगे। ये 12 अंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जनवरी के लिए 1 लिखेंगे कोड के रूप में संकेत में, फरवरी के लिए 4 मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। उसके बाद शताब्दी 1700 1800 1900 और 2000, शताब्दी का कोड क्या लेना है, 1700 1800 में तो क्वेश्चन रेयर चांस है, बाकी फिर भी 4206 याद रखना है। यदि यहाँ 1900 है तो कोड के रूप में 1900 शताब्दी में 0 लेना है, 2000 का बाहर पूछा जाए तो 6 लेना है, ठीक है, 1800 1700 का वैसे नहीं पूछा जाता। सबसे पहले तारीख लिखेंगे, तारीख है और तारीख के बाद अगस्त क्या है मास, फिर 1900 क्या है शताब्दी, फिर 47 क्या है वर्ष और फिर कितने अधिवर्ष है, कितने लीप वर्ष और फिर भाग देना है साल। ये तरीका होता है, सबसे पहले तारीख लिखेंगे 15, मास अगस्त जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में लिखेंगे 3, 1900 शताब्दी में 0, 47 को एजिटीज लिखेंगे और हर 4 साल में लीप वर्ष आता है, 47 में 4 का भाग देंगे केवल भागफल लिखेंगे, 11 4 का 44, 3 6 बच गए रिमाइंडर काट छोड़ देंगे अपॉन 7, 47 58 58 61 15 76 अपॉन 7, जब 7 का भाग देंगे 76 में 10 7 70, जो शेष बचेगा वो 6 शेष बचेगा। यदि जब भी 1 शेष बचता है तो हमेशा रविवार लिखेंगे आंसर देंगे, 2 शेष बचता है सोमवार आंसर देंगे, 3 बचेगा मंगलवार, 4 बुध, 5 बृहस्पति, 6 शुक्र और 7 शेष बचेगा नहीं, 7 का भाग देंगे तो 0 शेष यदि बचता है तो हमारा आंसर रहेगा शनिवार। ये सुनो, 144 0 5 का वर्ग, 0 6 का वर्ग और 12 के वर्ग में 2 जोड़ देंगे, 12 का वर्ग, 0 5 का वर्ग, 0 6 का वर्ग और 12 के वर्ग में 2 जोड़ देंगे, 1900 में 0 और 2000 में 6। पहला दिन पहला 1 शेष हमेशा रविवार होता है क्योंकि जब भी नेम ऑफ द वीक
संडे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं संडे तो खाली दिन है, छुट्टी होती है, तो पहला रविवार सोमवार माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहला दिन रविवार ही होता है। रविवार से 1 बजे तो 0 बजे तो सोम, 2 बजे तो सोम, 3 मंगल, 4 गुरु, सबसे पहले तारीख, फिर मास, फिर शताब्दी, वर्ष और लिंग, वर्ष और अपोक्ष। एक बात ही ध्यान रखना है, यदि यहां अब ये अच्छे 6 शेष बचे हैं, तो हमारा जो स्वतंत्र दिवस था वो शुक्रवार, 1 शेष बचे का रवि, 2 सोम, 3 मंगल, 4 बुध, 5 बृहस्पति और 6 बजे का तो शुक्रवार। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि मैं कहूंगी 15 जनवरी 2008 को क्या हुआ, तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले तारीख 15, जनवरी का महीना है, जनवरी में क्या लेंगे 1, 2000 के लिए 6, 8 के लिए 8, और 8 क्योंकि लीप वर्ष है तो 4 का भाग देंगे, 4 2 8, पर ये 2 यहां गलत होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि 2008 लीप वर्ष कब होगा, जब 29 फरवरी आए, ठीक है, तो यहां 1 जनवरी से और 29 फरवरी तक कोई डेट दी गई है, तो ये जो लीप वर्ष दिया जाता है ये पूरा नहीं माना जाता। यदि 1 मार्च आ गया तो इसका मतलब 29 फरवरी इसमें आ गई, तो ये 8 है लीप वर्ष माना जाएगा, तो यहां 2 लिखेंगे। यदि ये तारीख 1 जनवरी से 29 फरवरी तक रहेगी, तो यहां 8 को लीप वर्ष न मान के हम यहां 7 मान लेंगे, और 7 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, या फिर 4 2 8 दो में ही घटा के 1 लिखना है, और 15, 16, 26, 38, 31, 31, 32, 7, 28, 3 बच गया, 1 बज का सोमवार रविवार, 2 सोमवार, और 3 पे हमारा जो आंसर रहेगा मंगलवार। तो मोटी बात ये ध्यान रखनी है कि यदि यहाँ लीप वर्ष दिया गया है तो वो यहाँ जो तारीख है 29 फरवरी से पहले की नहीं होनी चाहिए। यदि पहले की है तो यहाँ 1 घटाएंगे, यदि यहाँ 2012 होता तो 12 में 4 का भाग देंगे 3, तो 3 की बजाय यहाँ क्या लिखते, क्योंकि 2012 है, ये लीप वर्ष की कंडीशन ये है कि 29 फरवरी जब निकल जाएगी उसके बाद ही 12 काउंटेबल है लीप वर्ष के। देखो एक शताब्दी होती है 100 वर्ष, शताब्दी का मतलब 100 वर्ष, एक शताब्दी में हमेशा 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं, हमेशा 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष। छोटी बात यह है कि कभी शताब्दी का पहला जो वर्ष है वो लीप वर्ष होता है, कभी अंतिम, तो कन्फर्म क्या होता है कि 100 वर्षों में 77 साधारण होते हैं और 24 लीप वर्ष। एक साधारण वर्ष में अधिक दिन एक होता है, 77 साधारण वर्ष में अधिक दिन 77 होते हैं, एक लीप वर्ष में 52, 57 दिन अधिक होते हैं, तो 24 लीप वर्ष है, इनमें जो अधिक दिनों की संख्या 24 होगी 48, टोटल 100 वर्षों में अधिक दिन 124 आएंगे, और 100 वर्षों में अधिक दिन 124 आएंगे, तो अधिक दिन वो होते हैं जो सत्ता से एक्स्ट्रा चले जाते हैं, 7 एकम 7, 7 × 7 49, यानी कि 100 वर्षों में अधिकतम दिनों की संख्या 124, 100 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या 5, और 100 वर्षों में अधिक दिन की संख्या 5 है तो 200 में 10 हो गई, तो 10 तो वही 7 से ऊपर चले गए, फिर 10 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, तो 200 में अधिक दिन 3, 300 में अधिक दिन मान लिया 15, 7 × 2 = 14, 1 हो गया, 400 में अधिक दिन 0, कैसे 100 वर्षों में अधिक दिन 5, 200 में हो गए 10, 10 में 7 का भाग देंगे 3 से बचेगा, 300 में 5, 100 में 5 दिया 15, 15 में 7 का भाग देंगे 7 × 2 = 14, 1 अधिक दिन हो गया, और जैसे 4 वर्ष में 1 अधिक दिन होता है उसी तरह 400 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या यानी कि 1 वर्ष अधिक होता है, जैसे हर 4 साल बाद 1 दिन अधिक हो जाता है 29 फरवरी का, ऐसे 400 वर्षों में
तो एक पूरा वर्ष एक दिन पर समित होता है, पूरा 360 दिन का, ठीक है। तो 500 में 5, 200 में 10, 300 में 5 किया 15, 400 में 500 का 20, और एक दिन अधिक हो गया, इसका मतलब एक वर्ष और अधिक हो गया 21, और 7, 21 में 7 का भाग देंगे तो 400 वर्षों में हमेशा अधिक दिन जीरो। और जिसके आगे दो जीरो होती है वो लीप वर्ष की बजाय लीप शताब्दी होती है, जैसे 1600, 1700, 1800 और 1900। इसमें लीप शताब्दी कौन सी है, लीप शताब्दी में 400 का भाग लगाना अनिवार्य है और लीप वर्ष में 4 का भाग लगाना। तो लीप वर्ष का होते 1600 लीप शताब्दी। अब कि ये क्रम लगातार चलता रहेगा, कैसे, 500 में 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0, 900 में 5, 1000 में 3, 1100 में 1, 1200 में 0, ये क्रम लगातार चलता रहेगा। मैं कहूं कि 3700 वर्षों में कितने अधिक दिन, कितने अधिक दिन। अब सीधी सी बात है कि 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0, 24। तो मोटी बात यह है तुम्हें यहां 3700 में या फिर 37 में, ये दो जीरो को कैंसिल करो, चार का भाग करोगे, 4 9 36, यहां से बच गया एक, एक बच गया, इसका मतलब 100 में तुम्हें 5 बताने हैं, यहां से 2 बच गया, इसका मतलब 200 में 3 बताना है, 3 बच गया शेष 300 में 1 बताना है, और जीरो शेष बचेगा तो लीप शताब्दी है, तो लीप शताब्दी में कितनी जीरो। मैं कहूं कि 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है, 29 फरवरी का मतलब लीप वर्ष, 400 सालों में कितनी बार आता है। तो मैंने अभी बताया था कि 4 वर्ष में एक दिन बढ़ता है और 400 वर्षों में एक लीप वर्ष बढ़ता है, 366 दिन बढ़ जाता है, और 4 वर्षों में एक दिन 29 फरवरी का बढ़ जाता है। तो हमें पता है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष आते 24 बार, कुछ है 400 में, तो 100 वर्षों में, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में 400 कुछ है, तो 24 को इसमें होंगे, 24 में है और 24 इसमें होंगे, 24 इसमें होंगे, तो 24 तो का 96 हो गए। बट 400 सालों में, हर 400 सालों में एक लीप वर्ष बढ़ता है, तो यहां हम आंसर देंगे कि 400 वर्षों में लीप वर्ष 96 होगा। 800 में पूछा जाए तो 2400 सालों में 800 यानी 8 सालों में 2492, हर 400 में एक बढ़ता है तो 800 कितने बढ़ गए 2, तो हम कहेंगे 100। 1200 में 3 जोड़ेंगे 1600 में 4, क्योंकि हर 400 सालों में एक लीप वर्ष बढ़ता है। ठीक है, ये कंप्लीट कर देते हैं। यदि 5 तारीख से 3 दिन बाद, यदि 5 तारीख से 3 दिन बाद मंगलवार को उस मास 25 तारीख को क्या होगा, यदि 5 तारीख के 3 दिन बाद मंगलवार हो तो उस मास की 25 तारीख को क्या होगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम से है, बिल्कुल सेम से। देखो
पांच तारीख पे तो से डिनोट किया गया है और के से डिनोट, तो ये ध्यान रखना है से मतलब से यानी कि इंक्लूड है ये पांच तारीख से का मतलब इसमें शामिल है और के का मतलब पांच तारीख के मानी कोना, ये के पांच तारीख इसमें इंक्लूड नहीं है। पांच तारीख से तीन दिन बाद यानी कि पांच से तीन दिन बाद से का मतलब से यानी कि ये इंक्लूड है पांच छह और सात से तीन दिन बाद यानी कि तीन दिन के बाद बाद यानी कि मंगलवार आठ तारीख का मंगलवार यानी कि तीन दिन में ये पांच तारीख भी शामिल करते हैं। और बात बार बताना है पच्चीस का, मैंने बताया था हर सात दिन बाद वही बार आता है, जब आठ का मंगल आठ सात पंद्रह और सात बाईस का मंगलवार तेईस का बुध चौबीस का बृहस्पति और पच्चीस तारीख को हमारा आंसर रहेगा शुक्र। पांच तारीख के तीन दिन बाद के मानी ये शामिल नहीं है, के मानी नहीं है यानी कि पांच के तीन दिन बाद छह सात आठ ये तीन दिन हो गए और तीन दिन बाद यानी कि मंगलवार हो गया नौ तारीख का मंगलवार और पच्चीस तक जाएंगे नौ सात सोलह सात तेईस ऐसे ठीक है। कल से पहले मंगल तो कल के बाद क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कल से पहले मंगल हुआ तो कल के बाद क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा यहाँ आज लिखना है, ये बीतता हुआ कल लिखना है और ये आने वाला कल लिखना है और कल से पहले ये बात दे रखा है हमें, कल से पहले मंगलवार है तो ये मंगल दे रखा है और कल के बाद ये बात ये बताएंगे, तो ये मंगल कल बुध हो गया आज बृहस्पति आने वाला कल शुक्र तो ये आ जाएगा शनि, ये क्वेश्चन मैं कहूं कि कल से तीन दिन पहले मंगलवार तो कल के चार दिन बाद ये बताना चार दिन बाद, तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करेंगे, कल से तीन दिन पहले वही आज कोई चीज आज कह रहा है ये बीता हुआ कल यस्टरडे ये टुमारो, कल से तीन दिन पहले एक दो और तीन, तीन दिन पहले का मतलब ये दे रखा है मंगलवार और कल के चार दिन बाद बताना है एक दो तीन और चार ये बताना, तो हर सात दिन बाद वही बार आता है, मंगलवार है तो सात दिन बाद एक दो तीन चार पांच छह सात ये भी मंगल आएगा और ये बुध ये बृहस्पतिवार, या फिर ऐसे कर लो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध और आगे चलोगे तो बार को आगे ले जाएंगे किससे करेंगे। किस तरह कि यदि 15 जनवरी 1999 यदि 15 जनवरी 1999 को रविवार हो तो बताओ 18 अगस्त 1999 को क्या हुआ, एक तो वो पंचांग वाले से निकाल सकते हैं सेम ईयर का क्वेश्चन है, जनवरी 21 महीने के बराबर होती है उसमें थोड़ा समय लगता है, एक इसका डायरेक्ट मेथड होता है कि मैंने बताया था ये याद रखो 12 का वर्ग 05 का 06 का और 12 का वर्ग में दो दो होती है, ये 12 महीने की कोड हो गई, 15 जनवरी जनवरी में होता है एक, 15 में 15 जनवरी का मतलब जनवरी में एक जोड़ो कितना हो गया 16, 16 में 7 का वर्ग है 7 दूनी 14 क्या शेष बच गया 2, कैसे सोच गया तो एक बस का तो क्या आंसर था 2 बच गया, तो इसने क्या कर रखा है कि वास्तव में तो ये बार आएगा सोमवार लेकिन इसने एक दिन पहले मान रखा है सोमवार को रवि मान रखा है, इसका निकाले तो वो एक दिन कम कर देंगे, जैसे 18 अगस्त क्या हमारे पास अगस्त में क्या होते हैं 3 21 बटे 7 तो 0 से बचेगा तो क्या आएगा शनिवार, ठीक है शनिवार का एक दिन पीछे करोगे तो क्या आंसर देंगे हम, शनिवार के पीछे जाएंगे तो लास्ट क्वेश्चन
एक प्रोबिलिटी होती है प्रायिकता से रिलेटेड एक क्वेश्चन कैलेंडर में पूछा जाता है, प्रायिकता से रिलेटेड होता है। जैसे एक सप्ताह में एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। मैं कहूंगी साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 53 रविवार आने की बात, मैं कहूं कि लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता, क्योंकि 52 की बजाय 53 भी आ सकते हैं। इसी तरह मैं कहूं कि मई में 5 रविवार आने की प्रायिकता, क्योंकि मई में 4 सप्ताह होते हैं हर महीने में, पर कोई भी बार 5 पर आ सकता है। मई में 5 रविवार आने की प्रायिकता। तो इस तरह का क्वेश्चन आजकल एसएससी में आते हैं, बिल्कुल इजी सी बात है। साधारण वर्ष में होते हैं 300 प्रश्न, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। 365 दिन होते हैं, 7 का भाग लेंगे, 7 में जो 35 और 7 में 14, यहां शेष बच गया 1। तो साधारण वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता 1/7 ऑप्शन मिलेगा आंसर देना है। और जब लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तो 2 शेष बचेंगे, 7 में जो 35 और 7 में 14। तो यानी कि लीप वर्ष की प्रायिकता 2/7 होगी। मई महीने में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में 7 का भाग देंगे, 7/28 शेष बच गया 3। तो मई महीने में 5 रविवार की प्रायिकता होगी 3/7। अनुकूल परिणाम हो गया 3 और संभावित परिणाम हो गया 7। ऐसे किसी भी महीने का पूछे तो ये बिल्कुल। कैलेंडर बिल्कुल कॉम्प्लेक्स।